हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल जीके देखो बाय डीके में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उस टॉपिक का नाम है समास। और आज आपसे हम समास से संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आज इस वीडियो से बहुत सा ज्ञान मिलने वाला है, ठीक है। और इस ज्ञान से जो है आपकी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं वो उपयोगी अवश्य होगा, क्योंकि समाज से संबंधित हमारी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है। भले ही हमारी परीक्षाएं जो है जूनियर लेवल की हो, या फिर हाई स्कूल लेवल की हो, या फिर इंटर लेवल की हो, या हमारी जितनी भी प्रतियोगिताएँ परीक्षाएँ हैं उनमें भी समाज से संबंधित प्रश्न अवश्य आता है, ठीक है। तो आज हम समाज से संबंधित, समाज के प्रकार, समाज किसे कहते हैं और समाज से जुड़ी अन्य बातों के बारे में आज बात करेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे समास के बारे में कि समास हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा देख लेते हैं। समास की परिभाषा देख लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। समास कहते हैं। हमने बात की दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। यहाँ दो या दो से अधिक, हमने यहाँ दो की बात करी या फिर दो से अधिक की बात करी। हमने संधि में देखा था कि संधि में दो वर्णों का मेल था। संधि में क्या था? दो वर्णों का मेल था, लेकिन यहाँ दो शब्दों का मेल है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनकर आते हैं या जिस शब्द का निर्माण होता है उसे हम समास कहते हैं। समास का अर्थ देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ की बात अगर हम करते हैं वो होता है संक्षेप, यानी किसी चीज को छोटा, किसी भी चीज को छोटा करना जो है वो समास के अंतर्गत आता है। किसी भी बड़ी बात को छोटा करना, बहुत बड़ी एक लाइन लिखी हुई है और उसको हम एक शब्द के रूप में लिख सकते हैं, तो समझ लिया हूँ समास कर रहे हैं, वहां हम समास की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। जैसा देखिए, अगर हम यहाँ एक शब्द लिख रहे हैं या एक वाक्य लिख रहे हैं, मैंने यहाँ लिख दिया राजपुत्र, मैंने यहाँ लिख दिया राजपुत्र, ये मैंने यहाँ लिख दिया राजपुत्र। अब राजपुत्र का अगर मैं समास विग्रह करूं, इसका मैं समास विग्रह करूं तो क्या होगा? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये हो गया। यानी मैंने राजा का पुत्र को जो है छोटे रूप में ये लिख दिया, राजा का पुत्र, और इसका संक्षेप में क्या हो गया? राजपुत्र। या फिर एक पति का, एक पति का व्रत लेने वाली, एक पति का व्रत लेने वाली स्त्री,
एक पति का व्रत लेने वाली स्त्री क्या कहेंगे? पति व्रता। यानी मैंने इतनी लाइन के स्थान पर जो है, और मैंने इसके स्थान पर जो है ये लिख दिया, और इसके स्थान मैंने ये लिख दिया, तो मैंने क्या कर दिया? संक्षेप कर दिया, मैंने समास कर दिया। कुछ विभक्तियों को, कुछ कारक चिन्हों को और कुछ शब्दों को मैंने समेट कर एक शब्द में लिख दिया, पति व्रता। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, तो ये समास होता है। ठीक है, ये समास की प्रक्रिया होती है। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, संकोच, छोटा करना, संकुचन करना। ठीक है, ये समास के शाब्दिक अर्थ होते हैं। अब हम बात करते हैं समास के प्रकार की बात करते हैं। अगर हम यहां लिखते हैं समास, तो समास के प्रकार कितने होते देखिए। और समास के प्रकार जो हम बात करेंगे यहां प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर कि हर समास में जो है कोई ना कोई पद प्रधान जरूर होता है। तो प्रधानता के आधार पर देखिए हमारे कितने प्रकार के समास होते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया आता है कि बताइए प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर एक, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान एक तो ये हो गया। दूसरा, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद पूर्व पद है, यहां पूर्व पद प्रधान। ठीक, और जिसका उत्तर पद प्रधान। और तीसरा होता है जिसके दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान, ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथा होता है जिसके दोनों पद अप्रधान। दोनों पद अप्रधान। ये हमारे चार प्रकार के हमारे हो गए हैं समास। ठीक, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। अब आप, मैंने लिखा था आपके सामने राजपुत्र, राजपुत्र। तो आप देखिए यहां जो है राजा का पुत्र, तो यहां पूर्व पद प्रधान हो गया है हमारा। इसमें प्रधान क्या है? ये हमारा प्रधान है राज, इसमें पूर्व पद प्रधान हो गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा सोचना होगा और इस प्रकार से हम अपने समास का प्रकार निश्चित करेंगे। अब देखें यहां, पूर्व पद प्रधान जिसका होगा, उत्तर पद प्रधान जिसका होगा, और दोनों पद जिसके प्रधान होंगे, और दोनों पद उसके अप्रधान होंगे, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। ठीक है, अब नाम लिख लेते हैं जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं अव्यय भाई समास। अव्यय भाव, भाव समास। ठीक, और जिसका होता है हमारा उत्तर पद प्रधान, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, और जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं इसको? हम द्वंद्व समास। और जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार देखिए चार प्रकार के हमारे चार प्रकार निकल कर आए हैं हमारे समास के। जिसका पूर्व पद प्रधान अव्ययीभावी भाव समास होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व
यहाँ दोनों में द में जो है वो लगा हुआ है, द में व लगा हुआ है, द्वंद समास। फिर जिसके दोनों पद है प्रधान होते हैं वो होता है हमारा बहुव्रीही समास। ठीक है, अब देखिए तत्पुरुष समास के हमारे दो भाग हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के अगर इसकी बात करते हैं दो भाग हो जाते हैं इसके, तत्पुरुष समास के दो भाग कौन कौन से हैं देखिए। एक तो हमारा हो जाता है द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक, और एक हमारा होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो इस प्रकार कुल हमारे समास कितने हो गए, हमारे समास हो गए छह। नंबर एक अव्ययभावी समास, नंबर दो तत्पुरुष समास, नंबर तीन द्वंद्व समास, और नंबर चार बहुव्रीहि समास, और नंबर पांच द्विगु समास, और नंबर छह कर्मधारय समास। ठीक है, तो कुल हमारे कितने प्रकार के समास हो गए, छह प्रकार के हमारे समास हो गए हैं, और प्रधानता के आधार पर हमारे जो हैं वो चार प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास के हमने दो भाग बना दिए हैं, दो भेद हो गए हैं इसके तत्पुरुष समास के, क्योंकि द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और क्रमधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रकार हो गए हैं। अब हम बात करते हैं समास से जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में, यानी समास करते समय हमें कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना होता है। दूसरी बात देखिए, शाब्दिक स्तर पर, शाब्दिक स्तर पर समस्त पद का लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण भी विचारणीय है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगली बात हमारी क्या हो गई है कि शाब्दिक स्तर पर समस्त पद का लिंग निर्धारण भी विचारणीय है, यानी हमें उस समस्त पद का लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे। ठीक है, उसका लिंग निर्धारण कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा नील गगन, फिर हमने कहा नील गाय। अब आप देख रहे हैं कि आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि इनका लिंग निर्धारण कैसे करें। इस समस्त पद को हम स्त्रीलिंग माने या फिर पुल्लिंग माने, पुल्लिंग माने या स्त्रीलिंग माने, तो इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि समस्त पद का उत्तर पद के अनुसार ही आप समस्त पद का लिंग निर्धारण करेंगे। उत्तर पद की बात कर रहा हूं मैं, जो उत्तर पद होगा अगर वो स्त्रीलिंग है तो समस्त पद का लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा, यदि वह समस्त पद का लिंग जो है स्त्रीलिंग है तो समस्त पद का पूरे का लिंग हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, नील गगन, ठीक, नील गगन क्या हो जाएगा, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। अब गगन क्या है, गगन पुल्लिंग है, तो इसका लिंग जो हो पुल्लिंग हो जाएगा। फिर आप यहां देखिए, यहां है नीली है जो गाय, अब ये गाय क्या है, स्त्रीलिंग, गगन क्या था, पुल्लिंग, गगन क्या था हमारा, पुल्लिंग।
कोई समस पद का पूरा का लिंग क्या आता, पुल्लिंग हो जाएगा। नील गाय, गाय क्या है हमारी, स्त्रीलिंग। तो इस समस पद का लिंग जो है वो इसके अनुसार होगा और इसमें इसके अनुसार होगा। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, ये नहीं है कि आप जो है इसका भी है नीली है जो गगन, ऐसा नहीं करेंगे आप। तो इसका लिंग निर्धारण जो है उसके उत्तर पद के अनुसार होगा। लिंग का जो निर्धारण होगा वो उत्तर पद के अनुसार होगा। जैसे अगर मैं लिख दूं महाराजा, महाराजा, तो इसका हम ग्रह कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं यहां फिर से मैं लिख दिया महारानी, मैंने यहां कह दिया महारानी, या फिर मैंने कह दिया महानदी, ऐसे। तो लिंग निर्धारण कैसे करेंगे देखिए, अब आप यहां देखें, यहां इस समस पद का ये क्या है उत्तर पद, और इसका क्या है उत्तर पद, इसका क्या है उत्तर पद। अब आप देखिए राजा इसका उत्तर पद है, इसका क्या है राजा इसका उत्तर पद है, तो इसका समास विधेय कैसे होगा, महान है, महान है जो राजा, ठीक है। और ये देखिए आज इसका जो उत्तर पद है, ये उत्तर पद ये क्या है स्त्रीलिंग, तो हम क्या करेंगे, महती है जो रानी, महती है जो रानी, ऐसे करेंगे। आप देखें यहां महान किसके लिए आया है, पुल्लिंग के लिए, क्योंकि इसका अंतिम पद क्या था, सॉरी उत्तर पद क्या था, राजा, और राजा क्या है पुल्लिंग, तो हमने कह रहा महान है जो राजा, तो यहां पुल्लिंग के लिए महान आएगा। यहां देखें महारानी, अब इसका उत्तर पद क्या है रानी, इस समास में यही ध्यान देने वाली बात है। ये चीजें हर कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जबकि समस्त पद का सामासिक पद का आप विग्रह करोगे वहां आप पे ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होता कि समस्त पद का जो उत्तर पद होता है लिंग उसी के अनुसार चलता है। आप यहां देख लीजिए नील गगन, नीला है जो गगन, यानी गगन जो है वो पुल्लिंग शब्द है, गगन क्या है पुल्लिंग शब्द है। यहां देखिए नील गाय, गाय क्या है स्त्रीलिंग, नीली है जो गाय, यह स्त्रीलिंग है। फिर महाराजा, महान है जो राजा, राजा क्या था पुल्लिंग, महाराजा का जो महाराजा एक समस्त पद है, सामासिक पद है, जब हमने इसका विग्रह किया तो क्या निकल कर आया, लिंग जो है वो उत्तर पद के अनुसार होगा, महान है जो राजा, और महान में यहां हलन जोड़ लगा नाम है, महारानी महती है जो रानी, आप यहां महान है जो रानी नहीं कर सकते, क्योंकि इस लिंग इसके अनुसार होगा उत्तर पद के अनुसार। ऐसे आप यहां देखिए महान है जो नदी, ऐसा नहीं कर सकते आप, महती है जो नदी, महती है जो नदी, लेकिन नदी क्या है, महती है जो नदी, नदी क्या है स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि समासिक पद का समस्त पद का लिंग निर्धारण कैसे करोगे, तो लिंग निर्धारण करेंगे हम समासिक पद के उत्तर पद को देखकर, और उत्तर पद पुल्लिंग है तो उसका लिंग हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, उत्तर पद स्त्रीलिंग है तो विग्रह करते समय उसका लिंग जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इन यहां चार पांच शब्दों से मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि लिंग निर्धारण कैसे करोगे आप सामासिक पद का और समस पद का। दूसरी बात क्या है हमारी, समास विग्रह का अर्थ व समस्त पद का अर्थ एक होना चाहिए,
एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही होता है। इस बात का ध्यान दें। अगर मैंने यहां लिख दिया राजकुमार, ठीक है, अगर मैं इसे करता हूं समास विग्रह राजा का कुमार, तो दोनों का अर्थ एक ही है। राजकुमार का अर्थ क्या है? राजा का कुमार, और राजा कुमार का अर्थ क्या है? राजकुमार। तो दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए। जैसे मैंने यहां लिख दिया राज ऋषि, राज ऋषि, तो इसका मतलब है राजा का ऋषि, ठीक है, राजा का ऋषि, तो राज ऋषि हो गया, ठीक है। महर्षि, महान है जो ऋषि, ठीक है। तो इस प्रकार हमें देखना है कि जो अर्थ हमारे समस पद का होगा वही अर्थ हमारे समास विग्रह का भी होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे अगली बात आती है समास हमेशा या सदैव, समश्रोतीय ठीक रहेगा, समश्रोतीय शब्दों में होना चाहिए, या होता है, या होता है करें, होता है, होता है, ठीक है। समश्रोतीय शब्द क्या होते हैं? मैंने कहा आपको कि अगर तद्भव है या फिर एक तत्सम है तो तत्सम का तत्सम से होना चाहिए, ठीक है, तत्सम का तत्सम से होना चाहिए। जैसे कार्य निपुण, जैसे शोक मग्न। अब आप देखिए कार्य भी हमारा तत्सम शब्द है और निपुण भी हमारा तत्सम शब्द है, शोक हमारा तत्सम शब्द है और मग्न हमारा तत्सम शब्द है। फिर देखिए तद्भव का तद्भव से होना चाहिए, तद्भव का तद्भव से होना चाहिए। जैसे रसोई, रसोई घर, ये रसोई भी हमारा क्या है? तद्भव है, और घर भी हमारा क्या है? तद्भव है, ठीक है। जैसे हर रोज, चलो ऐसा रोज ले लेता हूं, मैं फारसी ले लेता हूं, फारसी का फारसी से होना चाहिए। यानी दोनों शब्द जो हमारे वो उसी सम स्रोत के होने चाहिए, हर रोज, ठीक है। जैसे आबो हवा, ठीक है। अब देखिए यहां हर जो है वो फारसी का है, रोज फारसी का है, आबो फारसी का है, हवा फारसी का है, लेकिन कभी कभी इसके अपवाद भी होते हैं, कभी कभी इसके अपवाद भी होते हैं। समास ये कहता है कि समास हमेशा समश्रोतीय शब्दों में होता है, यानी तत्सम जो है वो तत्सम का तत्सम से होगा, कार्य निपुण कार्य में निपुण, तद्भव का तद्भव से होगा, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, ठीक है, फारसी का फारसी, हर रोज प्रतिदिन, आबो हवा, आबो हवा जलवायु यानी के, तो फारसी का फारसी होना चाहिए। ऐसे देखिए हमारा एक शब्द है, अगर आप देखें इसको हम रेलगाड़ी, रेलगाड़ी देखिए आप, रेल शब्द जो है वो अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द क्या है? वो तद्भव है, ठीक है, ये अलग अलग है। जैसे ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन अंग्रेजी का है और कक्ष काहे का है? हिंदी का है, ठीक है। पॉकेट मार, पॉकेट है अंग्रेजी का और मार क्या है? तत्भव है, ठीक है। तो ऐसे हमारे इसके अपवाद भी हैं, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन मूलतः ज्यादातर जो है वो
हमेशा समास जो है वो समस्रोतीय शब्दों में होता है। जैसे दालचीनी, मूंगफली, ठीक, खड़े खड़े, ठीक, सोते जागते। अब आप देखिए इनका आप क्या दिमाग में आपके आ रहा है। देखिए अब दाल चीनी का मतलब क्या है, दाल और चीनी नहीं है, दाल और चीनी नहीं है, इसका मतलब दाल चीनी बिल्कुल नहीं है। दाल चीनी मतलब होता है एक मसाला, एक प्रकार का मसाला होता है, ठीक है। तो आप यहां अर्थ देखिए, यहां आप समझने वाले हैं कि अर्थ विस्तार तो होता है, अर्थ विस्तार तो होता है। ऐसे हमारा एक शब्द है जलयान, या जलपान ले लीजिए, जलपान ले लीजिए, जलपान। अब आप यहां देखिए मूंगफली, मूंग और फली, ना तो यहां मूंग है और न यहां फली है, तो इसका अर्थ यहां मूंग और फली नहीं है, मूंग और फली नहीं है। ये तो एक प्रकार की हमारी क्या है, एक हमारा ड्राई फ्रूट में आता है, ठीक है, सूखे मेवे में आता है, ठीक है। खड़े खड़े यानी आप कहते मैंने खड़े खड़े उसका काम कर दिया। अब यहां खड़े खड़े का अर्थ यह नहीं है कि दो प्रकार खड़े खड़े काम किया है, उसका मतलब मैंने हाथों हाथ काम कर दिया, उसका मैंने तुरंत काम कर दिया। ऐसे देखिए सोते जागते, मेरे दिमाग में सोते जागते यही बात रही। अब इसका मतलब सो रहा था उसके दिमाग में यही बात होगी, और जागते मतलब हमेशा मेरे दिमाग में ये बात रही, इसका अर्थ यह है। अब जलपान का मतलब सुना है कि मैंने जल भी पिया और पानी भी पिया, इसका मतलब ये नहीं है। जलपान का मतलब ये है कि मैंने अन्य खाद्य सामग्री भी खाई, ये अन्य खाद्य सामग्री भी जलपान के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार का होता है, और समास करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगली वीडियो में आपके सामने में लेकर आऊंगा, हमारे प्रत्येक समास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अव्ययभाव समास की, अव्ययभाव समास की, फिर हम बात करेंगे आपके अगले समास की, फिर अगले समास की, यानी लगभग लगभग हम आपको 6 वीडियो में जो है, 6-7 वीडियो में जो है समास का चैप्टर, समास का पूरा पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।